अगर आप भी घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं या शरीर में दर्द बना रहता है, थकावट रहती है, आलस रहती है, अनिद्रा रहती है, यानी रात को नींद ठीक से नहीं आती है, शरीर में अकड़न थकान को दूर करने के लिए आज मैं बुजुर्गों द्वारा बताया गया एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय बता रही हूँ, जो हमारे बुजुर्ग अपनाते थे और जिसकी मदद से उनके शरीर में थकावट, अनिद्रा और जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द या किसी भी प्रकार का कमर दर्द की परेशानी से दूर रहते थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो जल्दी जल्दी इस नुस्खे को हम जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला नुस्खा। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि घुटने में ग्रीस कैसे ख़त्म हो जाती है और इसके ख़त्म होने की वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। इसके लिए मैंने कई सारी वीडियो शेयर की हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको पहला नुस्खा बता देती हूँ, जिससे आपके घुटने के ग्रीस को बनाने में, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं और चिकनाई बोलते हैं, में बहुत मददगार है। इसके लिए आपको एक औषधि लेनी है, इसका नाम है निरगुंडी। निरगुंडी आपको किसी भी पानसारी के दुकान पे या आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगी। निरगुंडी जड़ होता है, आपको जड़ लाना है, और निरगुंडी बहुत फायदेमंद होता है किसी भी तरह के जॉइंट पेन को दूर करने के लिए और घुटने के चिकनाई को बनाने के लिए। निरगुंडी के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको निरगुंडी के चार बीज ले लेने हैं और इस चार बीज को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो इसे बिना छाने हुए अच्छे से उबाल लगानी है। 2 उबाल इसमें लगा लें। उबाल लगाने के बाद आप इसे छान कर इसे सुबह सुबह ले लें। ऐसा करने से आपकी जो घुटने की दर्द है, चिकनाई है, सूजन है, वह दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि लगातार इसे 30 दिन लेने से ही आपके घुटने की हर परेशानी दूर होने लग जाएगी। अब आइए मैं आपको दूसरा नुस्खा बता देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और ज़रूर से बताइएगा आप इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़े कप से दूध। अगर आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर है तो आप फैट वाला दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप फैट फ्री दूध का प्रयोग करिए। बहुत सारे लोगों को दूध से परेशानी होती है, एलर्जी होती है, दूध नहीं ले सकते हैं, तो आप इसके जगह पर आलमंड मिल्क यानी बादाम से बनाया हुआ दूध ले सकते हैं। बादाम को पानी में भिगो दें और सुबह इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, ये दूध बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार मूंगफली का दूध भी आप बना सकते हैं। दूध में जब अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें हम 1 छोटी चम्मच सौंफ मिला देंगे। सौंफ हमारे शरीर में बहुत अच्छा काम करता है, अनिद्रा की शिकायत को दूर करता है और थकावट को भी दूर कर देता है। सौंफ हमारे शरीर में एनीमिया को भी दूर करता है, जिससे खून की कमी नहीं आती है। अब इसके बाद हम इसमें मिलाने वाले हैं सौंठ। सौंठ को हम ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं और अदरक को सुखाने के बाद जो पाउडर बनती है उसे सौंठ बोलते हैं। सौंठ हमारे शरीर में दर्द को दूर कर देता है, बहुत अच्छा औषधि का काम करता है। इसे हम छोटे चम्मच से आधा चम्मच ही डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शरीर में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, चिंता फिक्र हो, उसको दूर करता है, जोड़ों की चिकनाई को बनाने में मदद करता है और थकावट को भी दूर कर देता है और यह भी अच्छी नींद लाने में मदद करता है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से शरीर में थकावट नहीं रहती और जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है। अश्वगंधा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आयुर्वेदिक दुकान से आप लेकर आ सकते हैं और इसे घर में ही रखें, यह बहुत फायदेमंद है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच हमने अश्वगंधा यहाँ पर मिला दिया है।
अब हम इसमें मिठास के लिए मिला देंगे धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री शरीर को ठंडक देती है और यह हमारे शरीर को गर्मी के मौसम में होने वाले गर्मी की वजह से परेशानियों से दूर रखती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। हमने इसे कूटकर अच्छे से आधा चम्मच इसमें मिला दिया है। अब इस दूध को हम छान लेंगे। दो उबाल सिर्फ आपको लगानी है और छानने के बाद आप इसे कप में निकाल लें। इसे आपको बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना और बिल्कुल ठंडा करके भी नहीं पीना है। यह दूध आपके शरीर की परेशानियों को दूर कर देगा। इसे सुबह के वक्त भी ले सकते हैं और शाम के वक्त भी आप ले सकते हैं। आपके शरीर की थकावट अनिद्रा को यह बिल्कुल ही दूर कर देगा। सुबह अगर खाली पेट इस दूध को लेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, खाली पेट दूध नहीं लेना है आपको। इसे लेने से पहले कम से कम एक बड़े गिलास से आपको पानी अवश्य ही ले लेनी है। पानी पीने के बाद ही आपको इस दूध का सेवन करना है। इसे आप रात के खाना खाने के बाद ले लें। इस तरीके से आप लगातार इसे 30 दिन करके देखिए। आपके जोड़ों के दर्द की दूर होंगे, चिकनाई दोबारा से बनेगी और घुटने की हर परेशानी को दूर करेगा। साथ ही आपके शरीर में अकड़न हो, मांसपेशियों का दर्द हो, वेरिकोज वेन की समस्या हो, शरीर में किसी प्रकार का भी दर्द और थकावट हो, सेटिका का दर्द हो, कमर का दर्द हो, नसों में ब्लॉकेज हो, हर तरह के दर्द में यह बहुत फायदेमंद औषधि है। अगर आपने घुटने की ऑपरेशन करा ली है या फिर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको स्लिप डिस्क की भी समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें इस औषधि को लेने से पहले। वैसे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, आप इसे बराबर से ले सकते हैं। आज की जानकारी इतनी तक ही थी। जानकारी अच्छी लगी तो मुझे यह अवश्य बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरह की ही जानकारी के लिए ऑल हेल्थी टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।